बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला खेला जा रहा है, पहली पारी समाप्त हो चुकी है और उम्मीद थी कि भारतीय जो स्पिन की जोड़ी है वो किस तरीके से गेंदबाजी करेगी, इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल था और जिस तरीके से अनुमान था लगभग गेंदबाजी वही हुई है। आप स्क्रीन पर ये स्कोर कार्ड देखिए और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को अगर आप देखिए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हमारे स्पिन जोड़ी के सामने नाचे हैं, हमारे स्पिन तिकड़ी के सामने जिस तरीके से नाचे हैं वो देखने को मिला। स्टीव स्मिथ ने थोड़ी पारी संभल कर जरूर खेली और इसके अलावा लास्ट में थोड़ी बहुत पारियां पैट कमिंस की भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त यहां पर प्रदर्शन रहा। चाहे वो बात कर ली जाए रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी रही, आर अश्विन की गेंदबाजी रही, कुलदीप यादव की भी शानदार गेंदबाजी रही, जिसकी बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर ही समेट दिया। अब अगर बात करें तो हमारे बल्लेबाजों पर नजर जरूर रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको एक स्कोर कार्ड पर दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ये स्कोर कार्ड रहा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने 52 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली, इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने 71 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली, इसके बाद लवुशेन भी 41 गेंदों पर 27 रन की पारी खेले। बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग नहीं रहते। बाकी के बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत अच्छी पारी नहीं रही टीम में, अगर आप देखें तो फिर धीरे धीरे करके टीम सिमटती चली गई। भारतीय गेंदबाजों की अगर बात कर ली जाए तो कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 42 रन देकर अगर आप देखें तो फिर 2 विकेट झटकी। बाकी अगर आप देखें तो कुलदीप रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी की और फिर रविचंद्रन अश्विन का भी अगर आप देखें तो जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर रहा, यानी कि भारत की स्पिन जोड़ी के आगे ऑस्ट्रेलिया की एक भी ना चली और उम्मीद करेंगे भारतीय बल्लेबाजी भी इसी तरीके से दमखम दिखाएगी और इस मुकाबले को हम आसानी से जीतेंगे और इस मुकाबले में जीत से आगाज करेंगे। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।